और हम उस फैसले के साथ खड़े हैं। हम कहते हैं ठीक फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये आपकी लीडरशिप की गलती ये है कि आपने हर फैसले के ऊपर कमेंट करें, ना कि वक्त से पहले इनके जो वकला साहबान पेश हुए वक्त से पहले जाकर लड़ाई रन सर प्लीज बजाय इस बात के कि लीगल असिस्टेंस कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये बता जी, पहले कि नून लीग जो है वो इस वक्त यहाँ मतलब दे वांट टू कैरी ऑन विद द सिस्टम और अगले साल तक लेकर जाना चाहते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि पंजाब अब आप लोगों के हाथ से निकल गया। अब अगर इलेक्शन कराना है वो इमरान खान की मर्जी है, वो केपीके को डिसॉल्व करे, वो पंजाब को डिसॉल्व करे, जनरल इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान में खुद हो जाते हैं अगर वो डिसॉल्व। अब हमारे से ना मांगे कि इलेक्शन करें, अब तो ये बॉल उसके कोर्ट में है, उसने फैसला करना है कि इलेक्शन होने नहीं होने। हम तो अपने आईनी तरीके से इस हुकूमत को चलाएंगे, जिस दलदल में इमरान खान ने इसको फंसाया। मुझे सिर्फ मुख्तसर बता लेंगे कैसे। देखें अभी बिजली महंगी की, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बिजली जो है वो 40-50% जो सार्फीन घरेलू हैं उनको इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये उनको उनके लिए महंगी नहीं की घरेलू सार्फीन के लिए। और ये हमने रीबेसिंग की है टैरिफ की, जो एफपीओ और क्यूटीए आपको चार्ज होता था वो अब चार्ज नहीं होगा क्योंकि वो इसकी आपने प्रायर एडजस्टमेंट कर ली, तो ये एक अच्छा इकदाम दिया। और जो दो साल से बिजली नहीं महंगी की इमरान खान ने, जो उसने वो इसलिए नहीं महंगी की क्योंकि सर्कुलर डेट जो है जो 1100 अरब पे था वो 2500 अरब पे लेके गया, इस मुल्क को मकरूज किया, कमजोर किया, और वो कर्जों का बोझ जो हमारे पे चढ़ाया उसकी हम अब वो सफाई कर रहे हैं, उस बोझ को उतार रहे हैं, तो ये हमें मजबूरन फैसले लेने पड़े। दूसरा, राजापक्सा साहब श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि मैं IMF से जो है वो मायदा नहीं करूंगा, और उसने कुछ टैक्स की रिलीफ भी दे दी। और आज उस मुल्क में जो तेल जो है जो हम जो 250 पे हमने किया, कोई खुशी से नहीं किया, हमें कोई खुशी नहीं हुई कि हमने 250 पे किया, वहां 1000 रुपए का भी नहीं मिल रहा।